पानी की राह हर चीज को जोड़ती है, जिंदगी से पहले और मौत के बाद भी। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली जेम्स कैमरोन की मच अवेटेड सिक्वल फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने अपने शुरुआती दो दिनों में तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कमाई करके ये दिखा दिया है कि ये फिल्म किसी भी फिल्म से रुकने वाली नहीं है, चाहे बॉलीवुड हो या फिर हो साउथ। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन जिस तरह के एडवांस ले चुकी है, इतनी एडवांस तो दोस्तों इस साल किसी भी बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड फिल्म ने इस साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नहीं ली है। और यही दिखाता है दोस्तों कि अवतार द वे ऑफ वाटर को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस कितना पसंद कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर के शुरुआती तीन दिनों के इंडियन और शुरुआती तीन दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आज अपने तीसरे दिन क्या कमाल कर रही है और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है या फिर हुई है फ्लॉप। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेम्स कैमरन के डायरेक्शन में बनने वाली अवतार द वे ऑफ वाटर का इंतजार सिर्फ इंडिया ही नहीं है बल्कि दुनिया भर की ऑडियंस काफी बेसब्री से कर रही थी जिस दिन से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। इस फिल्म के दोस्तों टोटल 5 पार्ट आने वाले हैं जिसमें अवतार द वे ऑफ वाटर इसका दूसरा पार्ट है। इस पार्ट को दोस्तों लगभग $400 मिलियन यानी कि लगभग 3,000 करोड़ से भी ज्यादा के बजट के साथ बनाया गया है। और अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अवतार द वे ऑफ वाटर को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन लगभग 4,000 स्क्रीन पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाड़ा, मलयालम और इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया था। इन 4,000 स्क्रीन पर दोस्तों रिलीज होने वाली ये फिल्म हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनी। साथ ही साथ दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने जैसी ओपनिंग अपने पहले दिन ली है वो भी हॉलीवुड के लिए एक रिमार्केबल फिट है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 41 करोड़ रुपए की कमाई करके स्पाइडरमैन नो वे होम और एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। साथ ही साथ दोस्तों बॉलीवुड की इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी ओपनर ब्रह्मास्त्र को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों अपने दूसरे दिन तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जैसे कमाल ही कर दिया हो और अपने दूसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें भी लगभग 12-15% की ग्रोथ देखी गई। बताते चले दोस्तों आपको कि अपने दूसरे दिन भी इस फिल्म ने हिस्टोरिकल ट्रेंड करते हुए 47 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर टच कर दिया है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो तो लगभग 88 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू चुका है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के ग्रॉस बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों अपने पहले दिन इस फिल्म ने इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर जहां 52 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से शानदार ट्रेंड करते हुए लगभग 59 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर की है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म शुरुआती दो दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 110 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है, जो कि इस फिल्म को इस साल के लिए सेकंड सबसे बड़ी ओपनर बना देता है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को आउटस्टैंडिंग रिव्यूज ऑडियंस की तरफ से मिल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मास्टरपीस बताया है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती हुई नजर आ रही है। और आज की तो दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो ही लगभग 37 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो कि एक तरह से एक हिस्टोरिकल कलेक्शन है। और एडवांस में ही दोस्तों ये फिल्म आज ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्म के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $180 मिलियन यानी कि लगभग 1440 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। अपने दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म ने अमेरिकन बॉक्स ऑफिस यानी कि यूएसए में एक तरह से एक हिस्टोरिकल ट्रेंड किया और $75 मिलियन के आंकड़े को टच किया, जिससे कि इस फिल्म का तीसरे दिन का भी जो कलेक्शन था वो बॉक्स ऑफिस पर काफी आउटस्टैंडिंग रहा। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म चाइना और कोरिया में भी काफी बॉम्बास्टिक कमाई करती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए इस फिल्म के शुरुआती दो दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म शुरुआती दो दिनों में $300 मिलियन के आंकड़े को आसानी से टच कर चुकी है, जिसमें दोस्तों इंडिया से इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो $14 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका था। अगर बात की जाए आज यानी कि अपने तीसरे दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज की तो इस फिल्म की इंडिया से एडवांस बुकिंग ही 37 करोड़ की है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की लगभग 80% की है, आफ्टरनून और इवनिंग में तो दोस्तों आईमैक्स के
इस फिल्म के एक भी टिकट आपको नहीं मिलने वाले हैं। यानी कि ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी हिस्टोरिकल ट्रेंड करते हुए एक बार फिर से नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। और आज तो दोस्तों ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर ही जहां 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है, तो वही दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज 60 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को पार कर रही है। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म शुरुआती 3 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 140 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू चुकी होगी, तो वही दोस्तों इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 175 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। और ये फिल्म अवतार के फर्स्ट पार्ट को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्रॉस कर चुकी होगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म शुरुआती 3 दिनों में 450 मिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों लगभग 3600 करोड़ रुपए के आंकड़े को अपने शुरुआती 3 ही दिनों में पार करके अपने बजट की रिकवरी कर रही है। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।